हम लोग झूठे बोल गए, जैसे महिपाल मंदिर में षड्यंत्र के शिकार हो, हंसना मत, 62 मिनट की सीढ़ी चली, सीढ़ी में आपने एक चीज देखी कि महिपाल जी जुराब उतारना भूल गए थे, सारे कम से मोजे तो उतार लेते, ये क्या कर दिया। और जिस महिपाल को जेल में डाला तब आंदोलन मैंने किया, बेटी को जिताया और गहलोत को जेल में डलाया, और फिर भी खेलो जिंदाबाद बेबो के साथ फोटो और ऐसे करती देखो। अब भाइयों इस बार इन बातों के हमारे कई बार तो मन करता है कि राजनीति छोड़ दें, क्योंकि लोगों का जमीर तो जिंदा रहना, मर गए लोगों की आत्मा मर गई। और कल मैंने छोटी सी बात करी थी, मैंने कहा शादी करनी चाहिए, मैं भी आ जाऊंगा, क्या हो गया, एक मिनट रुको, आप कितने बच्चे शादी करोगे, शादी आज से पहले हुई नहीं थी, मेरी भी शादी हुई थी, मुझे भी लोगों ने कहा एमएलए साहब आप एमएलए बनते शादी करना, मैं चुनाव लड़ रहा, कल ही मैंने शादी 60,000 लोगों का बड़ा खाना किया था। मैंने कल कहा कि अगर आपके दादाजी कुछ करते तो नए राजा थे, सिंचाई का पानी ले आते बाड़मेर के अंदर, आपके दादाजी थे ना जोधपुर में ले आते, और हमारे वाली क्यों दादाजी है वो नागौर में ले आते, तो हमारे बच्चे बेरोजगार नहीं रहते, रोजगार होता, शिक्षा होती, क्या गलत बोल रहा हूँ। मैंने ये बोला कि गहलोत मुख्यमंत्री बना, परशुराम मदेना ने कहा कि मैं सीएम का दावेदार हूँ तो छोड़ देते, फिर बाद में बोला कि मुझे विधानसभा का अध्यक्ष बना दो, अरे बन गए 5-4 रह गए, 98-3 में राजस्थान की विधानसभा का अध्यक्ष कौन था। भाइयों कौन सी किसान राजनीति की बात करते हो, मुझे लोग कहते हैं कि आप तो हमारे लोगों के खिलाफ बोलते हो, हमारे पराये कौन से होते हैं, हमारा वो है जो हमारों के समय पे काम आता है। अभी तो आपका एक ही प्रदेश और देश के अंदर हनुमान बेनीवाल है, जो रात को 2 बजे भी बुलाओगे बिना कहीं भी आ जाएगा, 3 बजे बुलाओगे कहीं भी नहीं आ जाएगा। कैसी बातें कर रहे हो आप, बताओ कि साहब हम हनुमान जी का पुतला दिलाएंगे, और आप कर ही कह सकते हो, क्यों नहीं जाना चाहोगे, सुनो क्यों गहलोत ने तो आपके बाप को जेल में डाला, आपके दादा को अपने कदमों में बिठाया, और हनुमान ने आपको विधानसभा दिखाई, ये तो करना ही है भाई, ये तो करोगे, क्योंकि इतिहास के अंदर भी हमारे समाज के अंदर ऐसे बहुत से लोग होते जो जिनको पालता था उसी को खा जाता था। बालूत आने से पहले आपका विरोध करने का प्रचार प्रसार होता है, इसको लेकर करते रहते हैं, बड़े लोग जितने भी देश में हुए उनका विरोध हुआ, उनको गोलियां भी चली, मारने के प्रयास क्या हो गया, हम डरेंगे क्या, राजनीति के अंदर हार्ड कोर अपराधी इस जड़ों से निकाले वसुंधरा ने, वसुंधरा का विरोध किया, उससे बड़ा तो कोई नहीं था, जब वसुंधरा को भगा दिया तो छोटे मोटे छुटबे ऐसी बातें करते रहते हैं, विरोध भी होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर, विरोध भी एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन हमको विरोध से डरने वाले थोड़े ही, अब कहाँ विरोध करने वाला, मुझे तो नहीं दिख रहा है, हुआ तो नहीं विरोध, कहना अलग होता विरोध करना अलग होता। पिछली बार भी विरोध इसलिए हुआ कि पुलिस की मौजूदगी में सीएमओ से यह सारा काम हुआ, एक अधिकारी था सीएमओ के अंदर अमित ढाका, उसकी सारी लाइसेंस है कि भाई इस तरह पथराव करना है, इनको डराना है, और दुर्भाग्य कोई घटना बड़ी नहीं हुई, और हमने भी कोशिश करी कि लड़ाई झगड़ा नहीं हो, बच्चे बिना फालतू अंदर के अंदर एक दूसरे के लग जाए, कोई जानते भी नहीं, बाकी नेताओं को मैं जानता हूँ बाड़मेर के नेताओं के पास खुद के पास कितना सामान है, बच्चों को टूल बना के जरूर विरोध की बात करते हैं पर इनको गलत रास्ते में डालते हैं। हनुमान बच्चों को बिगाड़ नहीं रहा है, जब बच्चों को जरूरत पड़ी तो देश में एक ही सांसद आया बच्चों का भविष्य बचाने के लिए, वो नागौर का सांसद आया, वो बाड़मेर और जोधपुर और आपके बीकानेर का सांसद नहीं आया, मैं आया हूँ सड़क पर। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।